बिहार के सियासी घमासान के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के लिस्ट में बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने करीबन एक महीने पहले अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया था और उनके एक महीने बाद अब राष्ट्रीय पदाधिकारी की नई टीम की नियुक्ति की है। नई राष्ट्रीय पदाधिकारी पद पर पूर्व पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह के खास सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि नीतीश कुमार के निर्देश पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारी की सूची जारी किया है, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने आप को लेकर 22 लोगों की टीम बताई है। जिस लिस्ट में एक पार्टी सलाहकार, एक उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष, 11 पार्टी के महासचिव, 6 सचिव और 2 प्रवक्ता को शामिल किया गया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने पहला फेरबदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर किया है। इसमें पहले ललन सिंह के समय में मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जिन्हें बदलकर पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नारायण सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहीं मंगनी लाल मंडल को पार्टी का महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और केसी त्यागी पहले से विशेष सलाहकार थे, साथ ही साथ उनका प्रमोशन करते हुए पूर्व विधायक राजीव रंजन के साथ पार्टी के 2 प्रवक्ता में शामिल किया गया है। इसके साथ ही सांसद आलोक कुमार सुमन को फिर से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों में महासचिव की संख्या को आधी कर दी है। वहीं ललन सिंह के समय जेडीयू पार्टी में 22 राष्ट्रीय महासचिव थे, जिसे घटाकर अब 11 महासचिव को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सांसद रामनाथ ठाकुर, संजय झा, अली अशरफ फातमी, कहकशा परवीन, अफाक आलम, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, राम सेवक सिंह, कपिल हरिश्चंद्र पाटिल, राज सिंह मान और इंजीनियर सुनील कुमार को महासचिव के लिस्ट में शामिल किया गया है। जेडीयू पार्टी की नई नियुक्ति का खास बात यह है कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के कई खास लोगों को राष्ट्रीय पदाधिकारी पद की सूची से निकाल दिया गया है। पार्टी के पूर्व महासचिव हर्षवर्धन सिंह को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा और भी कई लोगों को पार्टी के महासचिव के पद से हटाया गया है, जिसमें सांसद गिरधारी यादव, विजय कुमार मांझी, राजकुमार शर्मा, यूपी के पूर्व विधायक संजय सिंह, साथ ही कमर आलम को नई कमेटी से हटाया गया है। बता दें कि यूपी में धनंजय सिंह को पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। ललन सिंह उन्हें खास तौर से यूपी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद के सदस्य रविंद्र सिंह को पार्टी से चलता किया गया है।